गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए कल हमने क्या है, टेंथ क्लास के साइंस में वो क्वेश्चन किया था वेल्डिंग वाला भी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आज हिंदी मीडियम की बुक से करते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो समझो क्या कहता है उसके बारे में। प्रयोग द्वारा आप एल्कोहल एवं कार्बोक्सिल अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हो। देखो दो चीज़ हमारे पास हैं बच्चों, एक तो एल्कोहल है भाई, ठीक है, और एक हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इन दोनों में हमने डिफरेंस बताने हैं भाई, क्या डिफरेंसेस होंगे। सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे, तीन टेस्ट हमारे पास, तीन परीक्षण होते हैं बच्चों। पहला परीक्षण क्या है, सोडियम कार्बोनेट परीक्षण। अब आपको पता होना चाहिए भाई सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। ये होता मेरे पास सोडियम कार्बोनेट परीक्षण, इसने लिख दिया तो ये तो गलत हो गया भाई। देखो हिंदी मीडियम की बुक में पहला ही क्वेश्चन गलत मिला आपको, दिस इज़ नॉट सोडियम कार्बोनेट परीक्षण, ये होता हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण होता है। ये ठीक कर लें बच्चों, इसको बुकों में काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण बोलते हैं इसको हम। क्योंकि आप देख सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण लिखोगे, ठीक है, क्योंकि कार्बोनेट में नहीं होता। बाइकार्बोनेट का मतलब है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, वो डाल के देखेंगे हम इसमें। हम क्या करेंगे बच्चों, दो परखनली ले लेंगे भाई, एक परखनली ये ले ली, दूसरी परखनली ये ले ली। दोनों के अंदर क्या है, इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे क्या एल्कोहल, इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, और थोड़ी थोड़ी मात्रा बेकिंग सोडा की इसमें डालेंगे NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट, ऐसे बोल लो इसको, चलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट या सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बोलोगे। सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3 होता है, गलत है ये, बिल्कुल रॉन्ग। तो देखो इसमें जब आप ऐसा करोगे, इसमें जब भी बेकिंग सोडा डालोगे तो CO2 गैस निकलेगी, और CO2 गैस निकलती है जिस भी परखनली में से, वो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और जिसमें से नहीं निकलती वो एल्कोहल है। हो गया टेस्ट क्लियर। और रिएक्शन हमें ये याद रखेंगे, ये वाली रिएक्शन होगी, CO2 गैस जिसमें निकलेगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अदरवाइज वो एल्कोहल है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट अक्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट परीक्षण, इसको बोलते हम क्या, बेसिकली बेसिक पोटेशियम परमैंगनेट परीक्षण। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है बच्चों, KMnO4, देखो पानी को साफ भी करता है ये, लाल दवाई के नाम से प्रसिद्ध होता है, पानी को डिसइन्फेक्ट करने में भी प्रयोग इसका किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट क्या करोगे, वही काम करोगे, दो परखनली ले लोगे अलग अलग, थोड़ा सा अल्कोहल डालो एक परखनली में, एक में क्या है ये डालो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जिसमें आप ये डालोगे ना KMnO4, इन्हें गर्म करो कुछ देर के लिए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के गुलाबी रंग को समाप्त कर देगा। जिसमें गुलाबी रंग समाप्त हो जाएगा वो अल्कोहल है भाई, और जिसमें समाप्त नहीं होगा वो की है कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल सी बात है। ये लेबोरेटरी में करोगे तो बहुत मज़ा आपको आएगा, आनंद आएगा, लैब में जब प्रयोगशाला में जाओगे आप। लिटमस टेस्ट, लिटमस परीक्षण, लिटमस तो जानते ही हो आप। अब एल्कोहल में जब लिटमस विलयन डालोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या कर देगा, नीले लिटमस को लाल में बदल देगा, क्योंकि हमें पता है अम्ल क्या करते हैं, अम्ल, मैंने बताया था अम्ल की एक ट्रिक है, अनिल किसी का नाम होगा आप में से, अनिल, ऐसे क्या बन गया अमल, नीचे क्या बन गया नीला, और लैसे क्या बन गया लाल। अमल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ये ट्रिक है याद करने की, भूलो नहीं गया आप इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीकारक एजेंट क्या होते हैं, वट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ साथ में मैं आपको, वट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीकारक एजेंट वे पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। मैं बात करूँ KMnO4 की, ये क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन दूसरे को डोनेट कर देगा, अपना ऑक्सीजन जो दूसरे को प्रदान करने की क्षमता रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक एजेंट। और बहुत अच्छे ऑक्सीकारक एजेंट अपनी केमिस्ट्री में दो हैं, अपनी रसायन विज्ञान में भाई, कौन कौन से दो हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और एक हमारा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट इसको बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये इथेनॉल को इथेनोइक अम्ल में बदल देते हैं, हमने कल परसों आपको क्वेश्चन करवाया था, जो इथेनॉल इथेनोइक अम्ल में बदला था उसमें ये यूज़ किया था ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये रिएक्शन भी दे दी इन्होंने दोबारा, इथेनॉल ले लिया और इसने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास देखो इसने बताया भी नहीं आपको ढंग से, ये इथेनॉल मैंने ले लिया और यहाँ पर मैं लेता हूँ KMnO4 एरो के निशान के ऊपर, ये अपना ऑक्सीजन इसको दे देगा, और इसको ऑक्सीजन देने से क्या बन जाएगा, OH की जगह पे COOH बन जाएगा भाई, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, क्लियर। बच्चों बाहर बारिश हो रही है भाई, इसलिए आवाज़ में डिस्टर्बेंस ज़रूर होगी आज, लेकिन क्या करें मजबूरी है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं। नहीं भाई नहीं बता सकते, क्योंकि डिटर्जेंट तो कठोर जल के साथ भी झाग बनाता है, और मृदु जल के साथ भी झाग बनाता है, हार्ड वाटर के साथ भी झाग बनाता है, और सॉफ्ट वाटर के साथ भी झाग बनाता है, तो ऐसी बात है। साबुन होता तो हम कर सकते थे,
साबुन तो कठोर जल के साथ क्या है, प्रेसिपिटेट बनाता है, तलछट बनाता है, जो कि यहाँ पे डिटर्जेंट दिया गया इसलिए नहीं बताया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं, सामान्यतः साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पर पटकते हैं, डंडे से पीटते हैं, ब्रूस से रगड़ते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं, कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो ये क्वेश्चन मैं अभी बताने की बजाय आपको क्या है बाद में अच्छी तरह से बताऊंगा, लेकिन एंट्रीज का दे दूंगा यहाँ पर भी, जब साबुन की सफाई की विधि पढ़ेंगे ना तब ये क्लियर होगा हमें ये क्वेश्चन। वैसे मैं पढ़ा देता हूँ आपको, साबुन या डिटर्जेंट की लंबी श्रृंखला वाले पूंछ से, मान लो किसी कपड़े पर ग्रीस है, ग्रीस या गंदगी जुड़कर कपड़े की सतह और पानी पर आ जाती है, इसी कारण से सतही तनाव कम हो जाता है और जल पर गंदगी की तह जम जाती है, इसे कपड़े से हटाने के लिए कपड़े को पत्थर पर पटकना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो मैं समझाऊंगा आपको इस चीज़ को। ये मेरे पास कपड़ा है, इस कपड़े पर मान लो ये कोई ऑयल की ड्रॉप है, बूंद है, कोई तेल की बूंद है, या इसमें रेत है, मान लो डस्ट है, क्या होता है एक्चुअली, इसके पास हम पहले पानी मारते हैं इस कपड़े को। अब आपको पता है ये मान लो तेल की बूंद है, तो बताओ पानी तेल से तो मिलता ही नहीं, पानी से कितना हिसाब कर लो, है ना, पानी तेल से मिलता ही नहीं, क्योंकि तेल की डेंसिटी कम है, पानी की ज़्यादा है, तेल पानी के ऊपर तैरता रहेगा, ऐसा लगेगा साफ हो गया, लेकिन साफ भी नहीं होगा। होता क्या है, हम साबुन लेके आते हैं, फिर साबुन या डिटर्जेंट, उसकी क्या होती है, एक साबुन का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, एक तरफ से क्या है, अब एक सिरा उसका हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है, एक सिरा उसका हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक सिरा तो पानी में रहता है बच्चों, देखो ये ऊपर वाला सिरा तो पानी में रहेगा, ये ऊपर वाला हाइड्रोफिलिक, जबकि ये सिरा क्या है, फैट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब फैट को क्या है, जब ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो फैट इसके पास आने से क्या है, अब इसकी तरफ खींची नहीं चली जा रही फैट, तो हम क्या करेंगे, इसको थापी से पीटेंगे या फिर डंडे से पीटेंगे, तो ये फैट दूर हो जाएगी, हो गया अलग। बाकी मैं बताऊंगा इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, लास्ट में आएगा ये शायद चैप्टर के। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इन्होंने बोला इथेन का सूत्र है C2H6, इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड बताने हैं, बड़ा आसान है, हिंदी में बोलता है कि इसमें कितने सहसंयोजक अबंध हैं, तो देखो मैं बता देता हूँ, इसको बनाओगे ऐसे, दो कार्बन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन में इथेन है ना ये, इसलिए तो देखो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, छह हाइड्रोजन है भाई, तो H और H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H, देखो कितने बॉन्ड बन गए, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आंसर इज इसमें कितने हैं, 7 सहसंयोजी आबंध हैं, ठीक है। ब्यूटेनोन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, ब्यूटेनोन में क्या है, ब्यूटेनोन ओन आ गया पीछे, मैंने कल आपको एक टेबल दी थी सोल्व करनी, उस टेबल में ओन किसके पीछे लगता था, कीटोन, और कीटोन का फार्मूला क्या था, C डबल बॉन्ड O, तो आंसर क्या आया, C कीटोन, ठीक है, क्लियर है, कीटोन ग्रुप का सूत्र ये रहा भाई, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, या आप इसको RC डबल बॉन्ड OR ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी है भाई कैसे लिख लो। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है, धुआं उत्पन्न हो रहा है जिससे वो काली हो जाएगी, बस। CH3Cl में आबंध का निर्माण करने के लिए सहसंयोजी आबंध की प्रकृति बतानी है, तो बता सकते हो ना आप, इसमें कार्बन का तो 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का 17 होता है, तो बड़ा इजी प्रोसेस है, ठीक है। इसका डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो कैसे बनाओगे, बड़ा सिंपल है, पहले आप ऐसे कर लो CH3 देखो, और फिर लिख लो Cl, यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगा दो, एक यहाँ पर लगा दो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, बन गया डॉट स्ट्रक्चर, सिंपल है। आगे क्वेश्चन है, ये हम करवा चुके हैं पहले आपको, इसमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना बच्चों सभी का, जैसे इथेनोइक एसिड का ये बन गया, फार्मूला याद रखो बस, H2S का ये बन गया, ठीक है, और हमारे पास जो नेक्स्ट जो फैक्टर दिया गया कौन सा है, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन का ये बन गया, फार्मूला याद रखो बस, F2 का ये बन गया, ठीक है, मैं पहले करा चुका हूँ इसलिए नहीं बताया मैंने, ये क्वेश्चन भी मैं पहले करा चुका हूँ। समझातीय श्रेणी क्या होती है, समझातीय श्रेणी यौगिकों की एक सी श्रृंखला जिसमें स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह से जोड़ा जाता है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मेरे पास है CH4, फिर C2H6, फिर C3H8, मतलब इसके प्रत्येक मॉलिक्यूल में CH2 ग्रुप का अंतर होता है भाई, ठीक है ना, ये हमारी समझातीय श्रेणी होती है, ठीक है। बाकी 7th क्वेश्चन कल करते हैं, आज इतने ही कर लें आप, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।